हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा पीबीटी करके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, प्री एग्ज़ाम तो कंडक्ट हुआ, बहुत से स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो मेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए उनके रिलेटेड, उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप प्री क्वालिफाई हो गए हैं, मेंस की तैयारी कैसे करें और फिर मेंस कि जो स्टूडेंट तैयारी किए हुए हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे जो रिव्यू मिला है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मथुरा पीवीटी में वेटनरी कर रहे हैं, तो उनसे जो कंटेंट मिला हुआ आपको हम शेयर करते हैं। आपको पेपर के बारे में पहले हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन चार नंबर का होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 200 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे 800 नंबर के होंगे। 30 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, डेट कन्फर्म है, 30 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड 5 से 6 दिन पहले आ जाएगा। जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई हैं मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको मथुरा ही जाना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, मथुरा जाना पड़ेगा। मथुरा जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और मथुरा में घूमिए। तो मथुरा आपको जाना पड़ेगा, 30 जुलाई को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की टाइमिंग 9 AM से होगी, एग्ज़ाम की टाइमिंग 9 बजे से होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय से पहले भी पहुंचना पड़ेगा। 9 बजे एग्ज़ाम होगा तो 9 से पहले पहुंचना पड़ेगा। इसके चक्कर में बहुत स्टूडेंट को देखे हम छूट जाता है। 2019 में हमारे साथ के कैंडिडेट कुछ थे, छूटा हुआ था उनका एग्ज़ाम। तो 2019 का ये डाटा हम बता रहे हैं, जो जिनका एग्ज़ाम छूटा हुआ था वो शायद वीडियो भी देख रहे होंगे। लेकिन आपको हम ये बता दें कि आपको थोड़ा सा एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचना होगा मथुरा में, और क्योंकि मथुरा में ही सेंटर होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा पहले जाना होगा। एग्ज़ाम छूट जाता है बहुत से स्टूडेंट के जो दूर के जाते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं, ऑटो वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है उस दिन, और ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम के दिन हर जगह होती हुई है। ये कमेंट आया हुआ था, ये प्री क्वालिफाई है मेंस के लिए, इनको मथुरा जाना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आप नीट का पढ़े हुए हैं, बस उसको आप रिवीजन कर लीजिए। पढ़ने की हमारे हिसाब से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उसको रिवीजन कर लिए ठीक ढंग से। मेंस थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा, प्री में ही बहुत से स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो भीड़ कम हो जाती है। तो मेंस में आपके एकदम लेवल के स्टूडेंट मिलेंगे, प्री जो क्वालिफाई करके मेंस में गए हुए हैं तो आपके लेवल के स्टूडेंट जो है वो मिलेंगे मेंस में। तो मेंस में आपके लेवल के स्टूडेंट मिलेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा होगा, आपके लेवल में होगा। मेंस आप क्वालिफाई कर देंगे तो आप आराम से मथुरा में वेटनरी कर सकते हैं, जो कि आप एक अच्छा सा भविष्य बना सकते हैं। पशु चिकित्सक में वेटनरी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, वैकेंसी भी ठीक ठाक निकलती है, कुछ करना नहीं होता है, और अच्छा खासा पैसा भी गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल्स में मिल जाते हैं जो वेटनरी के होते हैं। आपको भी पता होगा वेटनरी के जो होते हैं, हर एक तहसील पे वेटनरी के जो है वो हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन वहाँ कोई दिखाता नहीं है, दवा वगैरह सब चीज़ें बिक जाती हैं और पता भी नहीं चलता है। तो वेटनरी में काफ़ी कुछ होता है और पता भी नहीं चलता है, और पैसा तो है ही काफ़ी ज़्यादा। तो वेटनरी जो स्टूडेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी जो प्री क्वालिफाई किए हैं उनको कंग्रेचुलेशन, मेंस का एग्ज़ाम दीजिए। 30 जुलाई को एग्ज़ाम है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 200 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन चार नंबर कंटेंट करेगा, 800 नंबर का पेपर होगा। पेपर काफ़ी अच्छा आता है, पेपर का लेवल ठीक ठाक होता है, इसलिए आपके पास अगर 25 से 20 दिन का समय है तो 20 दिन में आप प्रिपरेशन करने में, रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम व्यतीत करें, क्योंकि कंपटीशन इस समय काफ़ी ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।